नमस्ते दोस्तों, मैं बंटी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल बंटी का तड़का में। मैं आज आप लोगों को आलू और परवल की मसाले वाली सब्जी बनाना बताऊँ। यहाँ मैंने 3 मिर्ची, 1 प्याज और 1 टमाटर ले लिया है। अब मैं परवल को अच्छे से गोल गोल टुकड़ों में काट लूँगी। साथ में आलू के भी बड़े बड़े टुकड़े काट लूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, मीडियम साइज ही। सारे आलू और परवल को अच्छे तरीके से काट लेंगे। ये देखिए मैंने काट लिया है। अब यहाँ मैं कढ़ाई लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं तेल डालूँगी। तेल गर्म होने से परवल को अच्छे तरीके से हमें फ्राई करना है। इधर ये परवल फ्राई हो रहा है, जब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। छोटे छोटे टुकड़े प्याज के काटने हैं। अब ये प्याज भी मेरी कट गई है, साथ में ही हम टमाटर भी काट लेंगे। टमाटर के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और साथ में जो हमने हरी मिर्ची ली थी उसके भी छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं। अब ये देखिए मेरे परवल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल लाल हो गए हैं। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। बचे हुए जो तेल हैं उसी में मैं मिर्ची और प्याज डाल दूंगी। 2 मिनट भुनने के बाद साथ में ही प्याज और मिर्ची के साथ आलू को भी डालेंगे। अब इसी के साथ आलू को भी हम भुनेंगे, फ्राई करेंगे, ढक देते हैं। अब इधर मैं लहसुन जो लेते हैं उसको मैं कूट लेती हूँ। अब इधर देखिए मेरे लहसुन कूट गए और इधर आलू भी अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे कूटे हुए, साथ में ही नमक और हल्दी भी डाल देंगे। टमाटर नहीं डालना है, बाद में टमाटर डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से आलू जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, पक जाता है। ये देखिए अच्छे तरीके से आलू मेरा अब मुलायम हो गया है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी डाल के अच्छे तरीके से चला के साथ में परवल डाल देंगे। अब इसको भी मिला लेते हैं हम। अब इसमें गरम मसाले डालेंगे, शिमला मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, सबको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। भुनने के लिए हम अब इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब ये मसाले मेरे अच्छे तरीके से पक गए हैं, टमाटर भी गल चुका है। ये देखिए अब ये तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मसाले अच्छे तरीके से पक गए हैं। अब इसमें हम पानी डालते हैं। पानी को डाल के अच्छे तरीके से मिला के ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए सब्जी मेरी अब पकना स्टार्ट हो गई है, अच्छे तरीके से ये पक चुकी है। अब इसमें हम ऊपर से कटी हुई हरी धनिया डालेंगे, ढक देंगे 2 मिनट के लिए। अब इसे हम एक बाउल में निकालते हैं। अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी है, इसको आप दाल चावल रोटी के साथ रख के खाइए या पूरी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी सब्जी है आलू परवल की।